दोस्तों मैं खड़ा हूँ यहाँ पर वार्ड नंबर 16 हल्द्वानी में, जो कि ये पड़ता है एरिया आपका भोटिया पड़ाव आवास विकास के सामने। और मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारी बात वैसे तो कहीं रखी जा नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर जब से भी नगर निगम बना है तब से यहाँ पर ना कोई सफाई हुई है और ना यहाँ पर कोई पानी की ड्रेनेज सिस्टम है, ना कोई नाली बनी हुई है। और आप देख सकते हैं पार्किंग सिस्टम भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ का यहाँ पर कोई पार्किंग सिस्टम भी नहीं है। आप देखिए जो गाड़ियाँ यहाँ पर है बाहर ही खड़ी होती हैं, कोई पार्किंग सिस्टम भी अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल के जब से हॉस्पिटल बना है इसकी कोई पार्किंग अवेलेबल नहीं है, जो कि हमारे घरों के आगे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जिससे हमें अपनी गाड़ियाँ निकालने में दिक्कत होती है। दूसरी चीज़, कोई ड्रेनेज सिस्टम आज तक यहाँ पर नहीं बना हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं सारा पानी यहाँ पर बह रहा है और यहीं पर रुका हुआ है, जिससे डेंगू के मच्छर और हमारे घरों में पानी घुस जाता है, जिसके कारण हमें अपने घर में सफाई करनी पड़ती है। सारा पानी यहाँ घर के अंदर घुस जाता है, कोई भी नाली का सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया है नगर निगम के साइड से, और कोई भी सफाईकर्मी आज तक इस एरिया में नहीं आया है जब से ये नगर निगम बना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अगर आप शेयर करते हैं तो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और इस पर एक्शन लेने की कार्रवाई करें नगर निगम, अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचता है आपके द्वारा। यहाँ की हालत बहुत ख़राब है, मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ, तो आप इसमें प्लीज़ मेरा हेल्प करिए। धन्यवाद।